नमस्ते दोस्तों, राम राम सा। जैसे कि आपके सामने ये डैशबोर्ड पे हमारे दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता एक बार कि ये जो है हमारे वीएमओयू का जो फीस स्ट्रक्चर है, ऐसे कि आपको पता ही होगा कि वर्धमान ओपन महावीर वर्धमान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कोटा ओपन, जिसको वीएमओयू कहते हैं, शॉर्ट में VMOU से लोग जानते हैं, उसका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। एमकॉम जिसको करनी है, एमए करनी है, बैचलर डिग्री करनी है या एमएससी करनी है, उसके लिए ये वर्धमान खुला विश्वविद्यालय है, जो सभी अगर किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए भी वो बीएड या एलएलबी या जो भी कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीएमओयू में कैसे एडमिशन ले, उसका प्रोसेस तो आप अलग वीडियो में देखेंगे। अभी ये फीस, सबसे पहला पॉइंट होता है फीस स्ट्रक्चर। तो हम फीस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आपको बताता हूँ मैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये पुराना 2014 का संशोधित है, इसके बाद में अभी तक संशोधन नहीं हुआ। क्या है फीस स्ट्रक्चर, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको जरा रुकिए। तो ये है आपका मास्टर्स का फीस स्ट्रक्चर है, आपके सामने अभी जूम करके दिखाऊंगा। ये इधर से लेके ये पूरा मास्टर कोर्स है, जो एमएससी हो गया, एमएससी हो गया, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, तो उस सभी के बारे में ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है ये वाला। तो आपको जूम करें एक बार मैं बता दूं कि ये हमारा फिक्स फीस स्ट्रक्चर है वीएमओयू यूनिवर्सिटी का। तो देखते हैं, एक बार जूम करके देख लेते हैं इसको, क्या क्या है। तो बड़े बड़े तौर पे बता दो, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए चाहिए होगी तो मैं वो डाउनलोड करना, या मैं अपने इस पे दे दूंगा, तो आप देख लेना दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अपने एमए इकोनॉमिक्स में, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स में करते हो तो ये प्रोग्राम नेम है, आप जो भी प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे एमए इकोनॉमिक्स में हो सकता है, एमए एजुकेशन में होता है, एमए पॉलिटी में होता है, एमए पॉलिटिकल स्टडीज में होता है, एमए हिंदी में, एमए हिस्ट्री में, एमए सोशोलॉजी में, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट में, एमए इंग्लिश में, एमए संस्कृत में, या से ढेरों ये सारे कोर्सेस, राजस्थानी में भी इवन होता है, तो ये सारे कोर्सेस होते हैं एमए के। ये कलर आई थिंक दिख रहा नहीं, तो मैं अच्छा कलर दे देता हूँ। और ये जो पहला है ना, उसमें प्रीवियस है और दूसरा है वो फाइनल ईयर है। तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 100 रुपये है, सभी की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये। उसके बाद में डेवलपमेंट फीस है 100 रुपये, मतलब विकास शुल्क जो आपको स्कूल में भी लिया जाता है नव प्रवेश पे, या आप अपने टीसी लेते हैं उस टाइम लिया जाता है, तो यह भी डेवलपमेंट शुल्क है। और फिर कोर्स की एक्चुअल फीस 3,200 है, और ये तो प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। उसके बाद में फाइनल ईयर की आप देख सकते हो, एक्चुअल कोर्स की फीस है 3,050 रुपये, ठीक है। तो ये 6,000 में 6,500 रुपये तक आपका 2 ईयर का एक्चुअल कोर्स फीस है, पर इससे थोड़ा ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे सारा एग्जाम फीस, पेपर फीस सब लेके यहाँ पे आप रिवाइज ये देख सकते हैं, एग्जाम फीस है 2,1200 और 1,500 रुपये, तो टोटल रिवाइज फीस आपकी होगी 4,600 रुपये एक प्रीवियस ईयर के, ठीक है। उसके बाद में फाइनल ईयर के होंगे आपके 4,000, अपने 4,785, आप देख सकते हो ये वाली फीस। तो ये लास्ट टोटल फीस है, जिसमें जीएसटी एसटी सब जुड़ के आता है टोटल फीस में, ठीक है। ये टोटल फीस में जीएसटी आपके जुड़ के आता है, इंक्लूडेड जीएसटी ये आता है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि मोर देन, ये तो मास्टर के कोर्स बता दिया मैंने आपको, और इसके बाद में आप देख सकते हो इधर डैशबोर्ड पे, अगर किसको बैचलर डिग्री करनी है, ठीक है, किसी को बैचलर डिग्री करनी है, मैं एक बार एमकॉम को भी आपका बता दूंगा एक बार और, एमकॉम के क्या फीस स्ट्रक्चर है। अगर किसी को वीएमओयू कोटा से ओपन वर्धमान यूनिवर्सिटी महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं वीएमओयू, अगर किसी को बैचलर डिग्री करनी है, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीएससी हो गया, अगर ये तीनों कोर्स करने हैं किसी को, और इसके अलावा भी बहुत सारे बैचलर कोर्सेज है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको बीलिस कहते हैं, बीलिस, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको बता दो, हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जैसे कि ये हमारे इधर आपको दिखा दो, ये कोर्सेज है, एक बार कलर पेन ले लेते हैं वापस। जैसे कि
ये हो गया बीएपी, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर का है और ये भी फर्स्ट ईयर का, ये एक एक ईयर के कोर्स है, ये बीए, जैसे कि आपने सामने आप देख सकते हैं बीए, बीए है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये 3 साल का आपको कोर्स दिखाई देगा बीए का, ठीक है। ये जैसे फिक्स स्ट्रक्चर सेम उसका जैसे था ऐसे ही ऐसे इसका भी फिक्स स्ट्रक्चर है, और ये 2500 रुपये एक्चुअल कोर्स फर्स्ट ईयर की फीस है आपकी, बाकी 1600 रुपये एग्जाम, जो एग्जाम के पेपर फीस भी आ गई, तो 4300 रुपये में आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, ये होगा फर्स्ट ईयर, ठीक है, 4300 रुपये में। उसके बाद में सेकेंड ईयर की सेम फीस होगी 2500 रुपये एक्चुअल फीस और 1600 रुपये उसकी है, तो 4300 में वापस ये इसका हो गया सेकेंड ईयर का। और उसके जैसे जैसे थर्ड ईयर में आप आते हैं तो थर्ड ईयर की भी सेम फीस रहेगी मेरे दोस्त, 4100 रुपये खाली, 4100 रुपये, 4100 रुपये, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर की फीस रहेगी। वैसे ही आप बीए ज्योग्राफी में कर सकते हो, बीकॉम की भी है, तो बीकॉम का भी फीस स्ट्रक्चर आप इधर देख सकते हो, 4300, वो का वही है, ये सारे सिस्टम वो का वही है, देख लो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये तीनों का इधर बीकॉम का भी दिया हुआ है आपके। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपको बीएससी ग्रुप, बीएससी के दिए हुए, बीएससी के साइंस के जितने भी कोर्सेज है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। इसके बाद में हम और आगे देखते हैं कि बैचलर डिग्री में और कौन कौन से कोर्सेज है, तो बीबीए है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट, आप जैसे को बीबीए मानते हो, बैचलर ये भी मैनेजमेंट का होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट बोलते हैं बिजनेस है, तो ये इसी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, ये भी एक। इसके बाद में होता है एमबीए, एमबीए भी आप से कर सकते हो, उसकी भी मैं कोर्स स्ट्रक्चर या फीस जो भी समझाना है, एडमिशन कैसे ले वो भी आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ध्यान रहे कि हमारे वीडियो अगर अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिले। तो ये हो गया, उसके आगे हम देखते हैं बैचलर डिग्री के हो गए, और इसके बाद में ये है, ये हमारे कोर्सेस है जो वीएमओयू के हैं, ये प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है, तो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये पीजीडीसीए है जो कंप्यूटर कोर्स होता है, उसकी फीस 13400 टोटल, और ये पीजी पीजीडी ईएसडी ये भी एक कोर्स है। इसके बाद में बहुत सारे इधर कंप्यूटर के रिगार्डिंग या ऐसे बहुत सारे कोर्स है जो आप कर सकते हो इधर से। उसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेज में है डीकॉम, ये डीकॉम होता है एक डिप्लोमा कोर्सेज है, डीसीटी, मैंने बताया था लाइब्रेरी साइंस का जो डिग्री होता है ये लाइब्रेरी साइंस, तो ये डीलिस होता है, और इस बैचलर इससे वो ये डिप्लोमा हो गया, ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो बीलिस होता है, ठीक है, और एमलिस होता है, एमलिस जिसको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, ठीक है। ये तीनों कोर्स आप इधर से कर सकते हो, ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बता रहा हूँ पूरा, उसकी फीस आप इधर सामने देख सकते हो, तो आपको अगर फीस चाहिए तो ये फीस वाला पूरा स्ट्रक्चर है, और ये सारे डिप्लोमा इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी अभी ये सर्टिफाइड कोर्स प्रोग्राम है, तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या क्या है तो आपको बता दूं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो आप थोड़ा हिंदी मीडियम का हो तो देख लो, CFN है, CTV है, CCT है, CLC है, और बहुत सारे कोर्स आप देख सकते हो इधर, फीस का स्ट्रक्चर ये तो लंबी लिस्ट है, समझाने जाऊंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, और ये हमारे कोर्सेज है आप देख सकते हो। उसके बाद में अभी अभी क्या है कि जो एग्जाम है ना, एग्जाम जो वीओ में दो बार दो दो सेशन में एग्जाम होते हैं इसके, तो अभी 31 मार्च, आज जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 2022 ये चल रहा है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो तारीख है 30 तारीख, 30 मार्च है, और हाँ 30 मार्च से मेरे को याद आया, आज आज एक और चीज है थोड़ा इसको मैं कर, आज पर्टिकुलर है हमारे, आप जान रहे होंगे सब, राजस्थान वीएमयू कोटा राजस्थान में पढ़ाता है, तो आज है राजस्थान दिवस, शुभकामनाएं, और बता दूं कि 31 मार्च वीएमओयू की, वीएमओयू कोटा की ओपन विश्वविद्यालय की आज लास्ट है, 31 को लास्ट है एग्जाम, जो आप न्यू एडमिशन है, अगर न्यू एडमिशन और अगर कोई कोर्स करना चाहता है एमए
एमए, एमकॉम, कॉम, तो आप 31 तारीख तक अपनी जो फॉर्म है भर सकते हैं। 31 तारीख लास्ट है दोस्तों, जल्दी से जल्दी अगर आपको डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स करना है तो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ लीजिए।